आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। वन परिक्षेत्र कोठी के अंतर्गत मूर्छित अवस्था में मिला लगभग 20 वर्षीय तेंदुआ। वन विभाग, राजस्व विभाग, पशु चिकित्सा की टीम मौके पर पहुंची। सुलगांव से महिला डॉक्टर को बुलाया गया जो छोटे से बच्चे को लेकर कर्तव्य पर जंगल पहुंची। ओंकारेश्वर क्षेत्र में तेंदुए को लेकर पिछले एक हफ्ते से माहौल बना हुआ है। ग्राम धावड़िया में जंगल में अरुण यादव के खेत में मूर्छित अवस्था में तेंदुआ देखा गया। वन विभाग के डिप्टी रेंजर रवि सेठ ने पत्रकारों से कहा, सूचना मिलते ही पूरा अमला धावड़िया के जंगल पहुंचा। पशु चिकित्सक को बुलाया गया, इसका रेस्क्यू किया जाएगा। डॉक्टर ज्योति भावरे, पशु चिकित्सा सहायक अधिकारी, मौके पर छोटे से बच्चे को लेकर पहुंची। उन्होंने कहा, इसका रेस्क्यू करने के बाद ही कुछ बताया जा सकेगा। मैं बाइट देने के लिए ऑथराइज नहीं हूं। क्षेत्र में तेंदुए को कई जगह सीसीटीवी कैमरे में देखा गया, तो वहीं टंटिया मामा स्थल के आसपास भी प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा। खबर लगते ही ग्रामीण बड़ी मात्रा में जंगल की ओर दौड़े। फिलहाल तेंदुए द्वारा जंगली जानवरों के अलावा क्षेत्र में कोई गंभीर इंसान पर हमला करने की खबर नहीं है, लेकिन क्षेत्र में दहशत का माहौल जरूर बना है। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। तेंदुआ यहाँ जंगल में खेत में मिला है, लेकिन वन विभाग की टीम पब्लिक को बता रही है, देख रही है, उसे उपचार इलाज के लिए कोई नहीं अभी तक ले गया, ना कोई आया है। ये कहाँ का स्थान है? कहाँ, ये धावड़िया का है, कोठी धावड़िया के बीच में। किसका खेत है ये? ये अजय यादव का है। इसके पहले भी तेंदुए देखे गए? हाँ, इसके पहले भी तेंदुए दिखे गए, और आते जाते यहाँ पब्लिक और आती जाती रहती है, बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या चाहते हो तुम? हमें इसका उपचार चाहिए, और इसे यहाँ से ले जाओ या तो फिर कहीं भी इसका निराकरण करो। क्या नाम तुम्हारा? लक्ष्मण बोरकर, जनशक्ति आदिवासी युवा संगठन, कारवाक जिला अध्यक्ष। डॉक्टर साहब लोगों को बुलाया गया है, हम सभी स्टाफ पहुँच गए हैं, बाकी पिंजड़ा वगैरह भी सभी कुछ बुलाया जा रहा है, और तत्काल डॉक्टर साहब ही इसको, मतलब ये जांच का विषय है कि किस कारण ये घायल हुआ है। डॉक्टर साहब लोग इसका परीक्षण करेंगे, उसी के बाद बता पाएंगे कि किस कारण ये घायल हुआ है। सर, क्षेत्र में तेंदुओं के खबरें ज्यादा हैं, तो वन विभाग क्या अपील करेगा जनता से? वन विभाग यही अपील करेगा कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में सतर्क रहें। रात के समय अगर जाना भी है बहुत जरूरी काम से, तभी जाएं, और जाएं तो ग्रुप में जाएं, हमेशा समूह में रहें, और जंगलों की तरफ रात में बिल्कुल ना जाएं। कोठी वन परिक्षेत्र में लगभग कितने तेंदुए होंगे? इसकी अभी कोई आधिकारिक गणना नहीं है, तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। सर, ये जो तेंदुआ है, इसकी कितनी उम्र हो सकती है, और क्या रिजल्ट एक आपके अनुमान से है, क्योंकि आप वन्य अधिकारी हैं? ये एक वयस्क तेंदुआ है, बाकी रिजल्ट मतलब जितनी अनुमानित आयु है डॉक्टर साहब ही कैलकुलेट करके बताएंगे। सर, आपका परिचय? मेरा नाम वन परिचय अधिकारी रवि सेठ पुनासा।